Hello, good morning everyone. This is Angan Public School Online Classes. Hope you all are doing good. Now today we are going to do English 2. Chapter 21, There Was or There Were. इफ़ यू रिमेंबर, हमने फर्स्ट चैप्टर जब इंग्लिश 2 में किया था, वो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था वो था देयर इज एंड देयर आर. देयर इज एंड देयर आर वाला फर्स्ट चैप्टर किया था, अगर आपको याद है तो ये वाला. तो सेम वही चीज़ है देयर इज एंड देयर आर का. देयर वॉज एंड देयर वेयर. देयर इज और देयर आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और देयर वाज और देयर वेयर हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं. प्रेजेंट टेंस जिस वक्त मतलब हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में जब हम देयर वाज और देयर वेयर यूज करते हैं तब मतलब वो काम हम कर चुके हैं. जैसे देखो नंबर 1 में देयर इज अ फुटबॉल मैच टूडे. आज फुटबॉल मैच है, तो उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? देयर वॉज अ फुटबॉल मैच यस्टरडे. कल फुटबॉल मैच था. यस्टरडे मीन्स कल जो चला गया है उसको कहते हैं यस्टरडे देयर वॉज अ फुटबॉल मैच, यानी कल मैच फुटबॉल मैच थी. प्रेजेंट टेंस में देखो लिखते हैं देयर आर मैनी रोजेज इन द गार्डन. आज गार्डन में बहुत सारे गुलाब है, तो उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? देयर वेयर मैनी रोजेज इन द गार्डन यस्टरडे. कल गार्डन में बहुत सारे गुलाब थे. ओके, तो जब बहुत सारी चीज की बात आती है तो जो देयर आर था वो पास्ट टेंस में देयर वेयर हो जाता है, और जो प्रेजेंट टेंस में देयर इज था वो पास्ट टेंस में देयर वॉज हो जाता है. जब कोई एक चीज की बात हम करते हैं तो देयर इज, और पास्ट टेंस में देयर वॉज. अब बहुत सारी चीज की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में देयर आर हो जाता है, और पास्ट टेंस में वही चीज देयर वेयर हो जाता. ओके, यहाँ पे देखो लिखा है द वर्ड देयर वॉज एंड देयर वेयर आर यूज इन द पास्ट टेंस द सेम वे देयर इज एंड देयर आर यूज इन द प्रेजेंट टेंस. जैसे हम प्रेजेंट टेंस में देयर इज और देयर आर लगाते हैं वही सिंगुलर और प्लूरल वाला फॉर्मूला लेके, वैसे ही हम पास्ट टेंस में देयर वॉज और देयर वेयर लगाते हैं सिंगुलर और प्लूरल में. ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. देयर वेयर 52 डॉग्स एट द शो. कोई शो था उसमें 52 डॉग्स थे. ठीक है, तो 52 यानी बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वेयर लगेगा. वैसे ही जब अगर सिंगुलर चीज की बात हो रही हो, अ सर्कस इन टाउन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते एक टाउन में सर्कस था, तो एक ही सर्कस था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देयर वॉज. यहाँ पे आ जाएगा देयर वॉज अ सर्कस इन द टाउन लास्ट वीक. ओके, नाउ सेकेंड में थर्ड में देखो एन एग. एन एग मतलब एक ही एग है. इन दैट डिश, उस डिश में एक ही एग था, क्योंकि पास्ट टेंस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देयर वॉज. देयर वॉज एन एग इन दैट डिश, उस डिश में एक ही अंडा था. नंबर 4, सम शुगर इन द बाउल इन द मॉर्निंग. सुबह उस इस बाउल में कुछ शुगर थी, तो सम शुगर, तो हम सम शुगर के लिए क्या यूज करेंगे देयर वॉज. देयर वॉज सम शुगर इन द बाउल इन द मॉर्निंग. यहां पे देखो अ फ्यू स्टूडेंट्स. फ्यू मतलब कुछ स्टूडेंट्स है. कुछ स्टूडेंट्स हॉल में थे, तो कुछ यानी एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन
ए हमेशा फ्यू के आगे लगता है, हमने पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं अ लिटिल एंड अ फ्यू वाला, ओके तो उसी के हिसाब से अ फ्यू यानी कुछ स्टूडेंट्स हॉल में थे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा देयर वेयर फ्यू स्टूडेंट्स, मैनी गर्ल्स एट द डांस, यहाँ तो एकदम क्लियर ही है मैनी गर्ल्स है, ओके तो बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही थी, तो देयर वेयर मैनी पेरेंट्स एट द मीटिंग, मीटिंग में बहुत सारे पेरेंट्स थे, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे देयर वेयर, अ फॉट हियर 50 years ago, 50 साल पहले यहाँ एक किला था, फोर्ट यानी होता है किला, 50 साल पहले यहाँ एक किला था, तो there was a fort here 50 years ago, 50 साल पहले यहाँ एक किला था. Number 9, a rat in a trap a short while ago, यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक चूहा पकड़ा गया था, ट्रैप यानी पकड़ा गया था या फंसा था, तो अ रैट है तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर वॉज अगो, अ वाइल अगो यानी थोड़ी देर पहले, सम टी इन द कप एन आवर अगो, एक घंटे पहले इस कप में थोड़ी चाय थी, तो हम क्या लिखेंगे, देयर वॉज सम टी इन द कप एन आवर अगो, यानी एक घंटे पहले इस कप में थोड़ी चाय थी, ओके और यहाँ पे देखो इसी में हमें इस चीज को, ये जो सेंटेंस हमने किए उसको ना हमें क्वेश्चन में चेंज करना है, उसको हमें क्वेश्चन में चेंज करना है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसी तरह से क्वेश्चन में चेंज किया था और उसके सारे आंसर को हमने उसमें हमें दो तरह से किया था, उसके सारे आंसर को अफर्मेटिव भी किया था और क्वेश्चन भी बनाए थे, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही बनाने हैं, जैसे देखो फर्स्ट वाला है देयर वेयर 52 डॉग्स एट द शो, तो हमको वहां पे लिखना है वेयर देयर 52 डॉग्स, क्या वहां पे 52 डॉग्स थे शो में, ऐसे तो जो क्वेश्चन था, तो उसके लिए जब क्वेश्चन हम बनाते हैं ना ऐसे वाले, तो जो सेकेंड वर्ड होता है ना वो पहले आ जाता है और फर्स्ट वाला वर्ड सेकेंड में चला जाता है, तो जैसे देखो आंसर है देयर वेयर तो क्वेश्चन हो जाएगा वेयर देयर, ओके बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो सेकेंड वाला है देयर वॉज अ सर्कस इन द टाउन लास्ट वीक, तो हम क्या लिखेंगे, वॉज देयर अ सर्कस इन द टाउन लास्ट वीक, ओके थर्ड है देयर वॉज एन एग इन दैट डिश, तो आ जाएगा वॉज देयर एन एग इन दैट डिश, Number 4 में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ सब में, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी हो जाता है, वॉज देयर सम सुगर, क्या यहाँ पे कुछ सुगर बाउल में रखी हुई थी सुबह, सम सुगर इन द बाउल इन द मॉर्निंग, Number 5 में where there a few students in the hall,
क्या हॉल में कुछ स्टूडेंट्स थे? नंबर सिक्स वैसा ही लिखेंगे, वेयर देयर मैनी गर्ल्स एट द डांस, क्या डांस में बहुत सारी लड़कियां थी? नंबर सेवन में वेयर देयर मैनी पेरेंट्स एट द मीटिंग, नंबर एट. नाउ नंबर एट विल बी वॉज देयर ए फॉर हियर 50 years ago. नंबर नाइन वॉज देयर ए रैट इन द ट्रैप अ शॉर्ट वाइल अगो. Again was there some tea in the cup an hour ago. Okay, तो इस तरह से ये सारे आपको ये फिनिश करना है. Okay, so till then bye and take care.